कैसे हैं आप? मैं रवि कुमार, सब देख रहे हैं मेडिकल फैक्ट ऑफिशियल। गैस, मेडिकल से रिलेटेड मोर वीडियोस को जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। चलिए गैस, आज मैं बताऊंगा आपको कि अगर आप मेडिकल शॉप खोले हुए हैं और इसमें एक क्लिनिक और डॉक्टर को बैठाते हैं या फिर बैठाना चाहते हैं तो कितना खर्चा आता है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे होने चाहिए जो डॉक्टर को बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है। गैस, पहली बात को आपको उनका केबिन इस तरह से बनाना है कि जैसे अगर वो डॉक्टर अर्थों के हैं तो अर्थों के केबिन टाइप का दिखना चाहिए। अगर मेडिसिन है, एमडी मेडिसिन है या फिर गायनिक है, मैम है, तो वो उनका जो चैम्बर हो उस तरह से लगना चाहिए कि नहीं, हाँ ये डॉक्टर इस चीज के हैं। सो गाइस, पहले आपको पता होना चाहिए कि बीपी मशीन आपके पास होनी चाहिए, बाकी टेबल पे हर एक चीज एकदम व्यवस्थित होनी चाहिए, उनकी एक चेयर होनी चाहिए और पेशेंट को बैठने के लिए एकदम विधिवत और उनका वेटिंग मशीन भी होना चाहिए। सो गाइस, ये है कुछ चीजें जो आपको पूरे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बनना पड़ेगा। और प्लीज गाइस, हमारे साथ बने रहें। यहाँ पे गाइस दो डॉक्टर बैठते हैं, एक डॉक्टर आशीष सिंह बैठते हैं कि मीनाक्षी मैम, ये गायनिक के हैं, ये अर्थों के हैं, और पेशेंट को बैठने के लिए एक जगह होनी चाहिए। गाइस, अगर आपके पास इस पैसे कम है या फिर आप कम बजट में करना चाहते हैं तो उसका भी एक सोल्यूशन होता है गाइस, कि आप एक जगह को अच्छे से विधिवत बनाएं। वो गाइड पूरे वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद गाइस।